కాంగ్రెస్ ను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టేందుకే పార్టీకి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ను కేంద్రం ఫ్రీజ్ చేయించిందని పిసిసి అధికార ప్రతినిధి తెలంగాణ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ సుజాత పాల్ తెలిపారు. గురువారం గాంధీ భవన్ లో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపే ఉన్నారని చెప్పారు. ఈడీ ఐటీ సిబిఐ వంటి సంస్థలను కేంద్రం దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శించారు. చందాలు ఇవ్వండి దందాలు చేసుకోండి అన్న విధంగా ఎలక్టోరల్ బ్యాండ్లను బీజేపీ కొనుగోలు చేయించిందని పేర్కొన్నారు. ఐటీ ఈడీతో పాటు పలు గ్రూప్ సంస్థల్లో సోదాలు చేయించి వారి నుంచి బీజేపీ చందాలు వసూలు చేసిందని వెల్లడించారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం 38 గ్రూపులకు 175 ప్రాజెక్టులను కట్టబెట్టిందన్నారు. బీజేపీకి బోగస్ కంపెనీల నుంచి కోట్లాది రూపాయల చందాల రూపంలో వచ్చినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఫోన్ చలాతే పూరా మహీనా ఉస్కే బాద్ ఆప్ పైసా జమా కర్తే హై తో ఉసీ తరీకే సే హమ్ దే రహే తుమ్కో కాంట్రాక్ట్ टेंडर तुम्हारे नाम ठेका लो और क्या दो हमें दो घूस ठेका लो और रिश्वत दो और तीसरा तरीका अन्ना टैक्स सुना ना आपने अन्ना टैक्स ये तो फिल्म ही चल रहा है पूरा का पूरा है एक्सटॉर्शन रैकेट देखो आप हफ्ता वसूली ये तो सिर्फ गुंडे करते हैं और यहाँ पे हफ्ता वसूली चल रही है उसका डेटा भी दूंगी अभी आपको और चौथा और भी इंपॉर्टेंट जिसमें बीजेपी डायरेक्टली इंडाइक्ट होती है और वो है शेल कंपनीज फर्जी कंपनी आप तो जानते हैं बोगस कंपनी के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा किया. मैं आपको अगर डेटा बताऊं कि हफ्ता वसूली कैसे किया इन्होंने एक्सटॉर्शन रैकेट अन्ना टैक्स कैसे लिया तो 41 ऐसे ग्रुप्स है मतलब 41 ग्रुप्स का मतलब है कई कंपनीज है हर ग्रुप में देयर आर मेनी कंपनीज 41 ग्रुप से इन्होंने 2592 करोड़ रुपए लिए और जानते हैं जब इन्होंने ईडी आईटी इन सब को भेजा इनके पास सीबीआई को तो और कितनी बार भेजा 34 इंस्टेंसेस जब रेड करवाई और रेड के बाद कितना पैसा मिला 1853 करोड़ रुपए. आप रेड कराओ फिर माल खा जाओ. बीजेपी को क्यों गया आपके घर में रेड होगी जिसकी उसकी आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे या आप उसको पैसा देंगे बताइए. ये इसलिए क्योंकि डर है ना भाई अगर ईडी सीबीआई उसी के हाथ में है जिसे एक्शन लेना है तो आप जानते हैं कि क्या होगा. और दूसरे जो दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है. यहां पे 38 ग्रुप्स और इन 38 ग्रुप्स को 79 प्रोजेक्ट्स मिले. पैसा कितना मिला बीजेपी को और काम कितना मिला इन कंपनीज को 38 कंपनीज और 38 कंपनीज को मिला 179 प्रोजेक्ट्स. बीजेपी को मिला पैसा चंदा इन लोगों से 2004 करोड़. चंदा लो धंधा चंदा लो चंदा दो और धंधा ले जाओ और काम दे रहे हैं बाद में रिश्वत ले लेंगे ये तरीका. इसमें इनको मिला 2004 करोड़ रुपए और इन्होंने काम दिया 384,825 करोड़ का. अब आप समझे कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट क्यों खराब हो रहा है. भाई जिसको घूस देना है वो काम ठीक से कहां करने वाला है यानी कि टेंडर के प्रोसेस में भी गड़बड़ी घोटाला है. और सबसे मजेदार चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ऐसे 16 ग्रुप्स हैं जो शेल कंपनीज के श्रेणी में आते हैं फर्जी बोगस कंपनी क्योंकि उनका नाम नहीं है वो पैसा एसबीआई के अकाउंट में दिख रहा है कि वो व्हाइट मनी ट्रेवल करके जा रहा है बीजेपी के अकाउंट में. और ये कितना पैसा है 419 करोड़ फ्रॉम बोगस कंपनीज टू बीजेपी. तो आप मुझे बता दीजिए आप अगर 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं मीडिया के मित्रों तो आपको केवाईसी देना पड़ता है ना क्योंकि आप 49,000 जमा कर सकते हैं एक बार में 50,000 करेंगे तो कहेंगे केवाईसी दो. अब आप बताइए कि जब 419 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में एसबीआई भेज रहा है तो केवाईसी नहीं लिया उन्होंने किसका नाम छुपाया जा रहा है समझे आप. तो यहां पर इतना बड़ा घोटाला करके चाहती है बीजेपी की 100 पैसा उनको मिल जाए और उन्होंने डरा धमका के पैसा लिया. अब बीजेपी का जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि पर हेड कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिल रहा है हमको कम मिल रहा है तो इसका लॉजिक साफ है ना
कि द कंट्री वॉन्ट्स चेंज, देश बदलाव चाहता है, इसलिए देश के लोग, देश की कंपनियां कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रही हैं। जब